अस्सलाम वालेकुम, मैं शॉप से खुश आमदी बात करेंगे बेहद के एपिसोड में 10 के फिल्मों के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा अपने बाप का काफ़ी ख्याल रखते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ उसे कहती है पार्टी में तुम्हें जरूर आना चाहे कुछ बजे, वो कहती है ठीक है। वहीं सोनिया अपने बाप से बात करते हुए उसे कहता है कि मैं अब ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ वो दोनों बैठे हुए और कहते हैं हम लोग शॉपिंग पर जाएंगे। और वहीं पर उसकी माँ उसे कहती है भाभी को तुम सब कुछ जला के रखो। तो वहीं उसे कहती है कि तुम्हारा ही सोनिया के भाग्य में हाथ था। वहीं वहाँ जब उससे बात कर रहा था उसे ले जाते हैं तैमूर की, और उसके आपस में अच्छी खासी बहस हो जाती है जिसकी वजह से तैमूर इस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा किसी तरह बच जाता है। वहाँ काफ़ी परेशान होते हैं सब, और वहीं पर दूसरी तरफ शादी की तैयारियाँ चल रही होती हैं जुगनू की। वहीं जुगनू के दोस्त जब उसे बताते हैं वो मिली के जोड़े में वहाँ पहुँच जाते हैं, तो हमजा उसे काफ़ी बातें करता है हमारे घर का मामला तुम कौन होती हो बोलने वाली ये वो, उससे काफ़ी वो परेशान होती रहती है वहाँ से चली जाती है। वहीं तैमूर की वहाँ से पूछते हैं लेकिन उसे बताता नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। वहीं उसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या करिए, आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वो मिलती है उसकी नजरें हमजा पे ही होती है, और वहीं पर उसे चलने के लिए जब कहती है तो वहीं वो उसके घर जाती है तैमूर के और 2 लाख रुपये के हाँ उसे कहती है। वहीं वो सारी पार्टी में उसको सबके सामने जलील करती है सोनिया कुमार को, ये कहती है। और वहीं सोनिया कुमार जाके उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है और हमजा उससे कहता है तुम्हारे तुम क्यों तैमूर के घर मुझसे पूछे बगैर गई। वहीं उससे धमकी देकर जाते हैं उसके थप्पड़ को कि अगर उसने मेरी बेटी की जान ना छोड़ी तो उसके हम लोग सामने लेंगे। अब देखना ही आने वाले एपिसोड में क्या होगा कि अब सोनिया और हमजा के रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाएगी, जुगनू अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर सकेगी। दिल से आप अपने कमेंट के जरिए जो दीजिएगा।